हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो किस तरीके से उसका फाउंडेशन होता है, किस तरीके से उसके एम्स वो डिसाइड करते हैं, उनका क्या, उनके जो शुरुआती लीडर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनके क्या अचीवमेंट्स रहे, उनका क्या अप्रोच था इंडियंस के लिए रिफॉर्म लाने में और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो जो मॉडरेट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपने टाइम में, और ये भी देखेंगे कि ये जो मॉडरेट थे इनके इस कंट्रीब्यूशन की तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा, क्या रिएक्शन रहा। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो मासस हैं उनका क्या रोल रहा इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, मासस का क्या रोल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडरेट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो यहाँ देख सकते हैं आप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली जो कॉन्ट्रीब्यूशन आती है वो है इकोनॉमिक क्रिटिक, यानी कि आर्थिक रूप से जिस तरीके से अंग्रेज यानी कि आर्थिक रूप से जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों को सताया था, उनको तंग किया था और उनके जो नेटिव इंडस्ट्री को तबाह किया था उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है मॉडरेट्स ने, उसका उसका जम करके उसकी बुराई की है मॉडरेट्स ने। तो उन मॉडरेट्स में से जिन्होंने ये इकोनॉमिक क्रिटिक किया है उनमें से कुछ का नाम देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, डी वाचा मतलब कि दिनशा ई वाचा। इकोनॉमिक क्रिटिक में इन लोगों ने क्या रखा, ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी मतलब कि किस तरीके से भारत का पैसा अंग्रेजों की तरफ और अंग्रेजों के देश में जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है, किस तरीके से भारत का पैसा जा रहा है वहां से। इस ड्रेन थ्योरी के हिसाब से ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का कॉलोनियल इकोनॉमी में। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से कहने का मतलब है हम अगर एंशिएंट और मेडिवल पीरियड देखें इंडियंस का तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियंस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो। और एक टाइम तो ऐसा भी था जब इंडिया का जीडीपी 1 नंबर पे था यानी कि फर्स्ट रैंक पे था और इंडिया की टक्कर का कोई हमें देश नहीं देखने मिलता था, और इसलिए हमारे इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इंडिया एक समय पे सोने की चिड़िया था। लेकिन जब अंग्रेज आए तब ये जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी ये धीमे धीमे कॉलोनियल इकोनॉमी में बदल गई। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसा देश उस देश की अर्थव्यवस्था और उस देश में उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश वाले हैं वो यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ले जाते थे फ्री में या फिर बहुत सस्ते दाम पे, जो रॉ मटेरियल की कीमत से बहुत कम होता था। अब वहाँ पर इंग्लैंड में उसमें क्योंकि तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने की वजह से इंग्लैंड में वहाँ पे मास स्केल पे चीज़ें बनती थी और वहाँ की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती होती थी। ठीक है, अब जब वो भारत में आती थी तब भारत के जो यहाँ के व्यापारी हैं उनका सामान नहीं बिकता था, सिर्फ अंग्रेजों का सामान बिकता था। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था भारतीयों की वो तो तबाह हो चुकी है और इंडिया का पूरी तरीके से शोषण हो रहा है। यहाँ से सारा का सारा कच्चा सामान उधर जाता है, वहाँ से बना हुआ सामान इधर आता है। एक एक तरीके से इंडिया मार्केट बन गया था और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया था और भारतीयों का कोई बिजनेस चलता ही नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो इकोनॉमी में चेंज आया वो देखा। अब इसको दूर करने के लिए इसके सॉल्यूशन के रूप में मॉडरेट्स ने ये डिमांड किया, डिमांडेड कि टैरिफ प्रोटेक्शन मिले टू मॉडर्न इंडस्ट्री। उनका ये कहना था, टैरिफ प्रोटेक्शन क्या होता है, टैरिफ प्रोटेक्शन ये होता है कि जब कोई सामान बाहर से आता है इसका इंपोर्ट होता है किसी एक कंट्री में तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि उसके उसका सब उसकी कीमत बढ़ जाए और उस देश में उसकी कीमत भी बाकी जैसे सामान बिक रहे हैं उन्हीं के उसी के बराबर में बिके और कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो सॉरी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो कंपटीशन अगर कम होगा नहीं तो भारतीयों के पास भी ये मौका रहेगा कि उनका भी सामान बिक सके। तो टैरिफ प्रोटेक्शन से ये रहेगा कि एक इम्पोर्ट वाला टैक्स लग जाएगा उन सामान पे जो अंग्रेजों के यहाँ से आ रहा है और वो भी उसी दाम पे बिकेंगे जैसे आज के भारतीयों का बिक रहा है। टू मॉडर्न इंडस्ट्री से कहने का मतलब है जो भारत में इंडस्ट्री लगाई थी इंडियंस ने उनके तरफ उनके लिए टैरिफ प्रोटेक्शन हो। ठीक है, तो क्या होगा कि इंडियंस का भी वेलफेयर हो पाएगा। फिर आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर को जितना हो सके कम किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाए क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर 100 रुपए का बजट है,
₹100 का बजट है और उसमें से आपने ₹80 सिर्फ मिलिट्री में दे दिए, गोला बारूद खरीदने में दे दिए, तो आप एडुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, सैनिटेशन पे, हाइजीन पे और जो बाकी ढेर सारी साइंटिफिक से रिसर्च है और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, जो वेलफेयर की चीज़ें हैं, हेल्थ हो गई, पब्लिक इशूज़ हो गए, उन पे आप कहाँ पैसा लगाएंगे? उन ₹20 में कहाँ से हो पाएगा? तो जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो इंडियंस के वेलफेयर के लिए कोई पैसा बचता नहीं था और कोई इसको इंडियंस को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो इसलिए भी इन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाए, क्योंकि इससे इंडियंस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कल को बर्मा अनेक्स कर लेते हो, कल को अफगानिस्तान पर अटैक कर देते हो, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। हम तो अभी भी पीड़ित हैं, हमारे यहाँ अभी भी सूखा पड़ता है, भुखमरी होती है, हमें कुछ नहीं मिलता उससे, ठीक है? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसके लिए कम किया जाए और जो लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा था उसको कम किया जाए, ताकि जो हमारे किसान हैं वो भूखे ना मरे, अपनी ही ज़मीन पे उगाए हुए सामान के लिए उनको इतना टैक्स ना देना पड़े जितना देना नहीं चाहिए था, और इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हार्ड था वो टैक्स, ठीक है? फिर बोला गया कि इंडिया सेपरेट किया जाए, सेपरेशन ऑफ इंडियाज एंड ब्रिटेन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन की इकोनॉमी यानी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, ताकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के तौर पे उभरे और एक अच्छा अर्थव्यवस्था बने, ताकि इंडियंस का वेलफेयर हो सके, ठीक है? फिर पांचवा क्या आया, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो, किसकी वर्किंग कंडीशंस में? तो इसका सीधा सा आंसर है कि जो लेबरर्स हुआ करते थे उनकी वर्किंग कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो, जो यहाँ से लेबरर्स जाया करते थे साउथ अफ्रीका प्लांटेशंस के लिए, उनकी उनकी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, जो यहाँ लैंडलेस लेबरर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है? अब इसके लिए इन्होंने देखिए यहाँ पर ड्रेन थ्योरी बताई, डिमांड किया, फिर ये क्या करते हैं, दे क्रिएटेड पब्लिक ओपिनियन, इन्होंने पूरी की पूरी भारत की आम जनता में ये एक आम पब्लिक ओपिनियन बनाया, यानी कि लोगों के बीच में एक मत बनाया कि ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, कि जो हमारा देश है जो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है, उसको किस वजह से पिछड़ा है, वो इस वजह से पिछड़ा है क्योंकि ये सारा का सारा जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, ब्रिटिश रूल का, ये जो अंग्रेजों का शासन है भारत में, यही हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े होने का बहुत बड़ा कारण है। और ये जो था ना, ये बस ये लोगों को समझाना, ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, ठीक है, ये क्या था, ये एक पार्ट था उनकी टू प्रोंग्ड मेथोडोलॉजी का। आप जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है, इससे पीछे वाली पार्ट 1 की, वो जाकर उसे देख लो, क्योंकि वहां हमने बताया है कि किस तरीके से टू प्रोंग्ड मेथोडोलॉजी का यूज करके जो कांग्रेस है वो अपना बात मनवाती थी। अब दूसरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर, संसद में जो रिफॉर्म लाए गए उसके लिए कुछ एक्ट भी लाए गए, तो उसके ऊपर जो मॉडरेट से कहना था, जो उनकी डिमांड थी, वो उनके कंट्रीब्यूशन में आता है, जरा देख लेते हैं उसको। तो ये टाइमलाइन देखिए, टाइमलाइन जो है हमारी 1861 की है, फिर 1885 से है, फिर 1892 उसके आगे है। तो अब 1861 में पहला इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, 1861 में, 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, और 1892 में इंडियन नेशनल, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, यही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में दोबारा आता है, और इस बार इससे थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता कि इंडियन को सेटिस्फाई कर पाए। अब देखिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इसमें जो है थोड़े बहुत रिफॉर्म आते हैं, थोड़ा बहुत इंडियन को पार्टिसिपेशन मिलता है, ठीक है, कि इंडिया, इंडियंस भी जो है अब संसद में उनकी भी मेंबरशिप होगी, वो भी अब आ सकते हैं वहां पे। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखें तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसको पावर नहीं दी गई, किस तरीके से पावर नहीं दी गई, जब इंडियंस वहाँ ज़्यादा नंबर में होंगे ही नहीं, तो कोई भी लॉ अगर उनके विरोध में आएगा इंडियंस के, तो वो उसका विरोध कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिल तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल और ब्रिटिश मेंबर है, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, 1861 से लेकर के 1885 तक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके बीच में जो टाइम था 30 साल लगभग लगभग, ये बिल्कुल पावरलेस लेजिस्लेचर था, इसके पास कोई पावर नहीं था, यहाँ बस इंडियंस नाम के रह गए थे, ठीक है, और जो इंडियंस गए भी वो सिर्फ 45 थे, 45 इंडियन, ठीक है, इन 30 सालों में सोचिए 45 इंडियन संसद में नॉमिनेट किए गए, मतलब कि लगभग लगभग हर एक साल में 1.5 इंडियन नॉमिनेट किए जा रहे थे पूरी संसद में, जो इतनी बड़ी संसद है उसमें सिर्फ कुछ बहुत चुनिंदा इंडियंस जा रहे थे, और जो इंडियंस गए भी ना वो बहुत वेल्दी बैकग्राउंड के थे, वेल्दी बैकग्राउंड, एरिस्टोक्रेटिक राजाओं वाला जो एक वंशज रहा हो जिनका, और जो बहुत ज़्यादा एलिट हो, पावर पैसा सब है उनके पास, वहीं
इंडियंस जो है संसद में जा पाए, तो उस वो कभी भी हाईलाइट नहीं कर पाए इंडिया के उन इश्यूज को जो कि जाना होनी चाहिए थी। खैर अब 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है कुछ डिमांड रखने चालू किए कि ये इंडिया की डिमांड क्या रख रहे थे कि भैया ये जो 1861 में आप इंडियन काउंसिल एक्ट लाए थे इसमें कोई पावर नहीं दी हमको, हमें आप थोड़े और पावर दीजिए, थोड़े रिफॉर्म दीजिए। तो ये क्या मांग रहे थे मेन डिमांड में? डिमांड में मांग रहे थे कि काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए। काउंसिल के एक्सपेंड करने से मतलब है कि इंडियन को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले काउंसिल्स में, ताकि जो वोट होगा बिल पे वो इंडियंस के हक में भी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर ही वहां पे एक तरीके से डोमिनेट करें। ठीक है, फिर है काउंसिल रिफॉर्म। रिफॉर्म से मतलब है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल से क्या मतलब है कि जो बजट आ रहा है उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल इंडियंस का भी होना चाहिए, नहीं कि आया अपनी मर्जी से पास किया चले गए। तो जो अगर वो नंबर बढ़ेंगे इंडियंस के तभी वो कंट्रोल भी आएगा और वोट करने का पावर मिले, डिस्कस करने का पावर मिले, क्वेश्चन पूछने का पावर मिले, यही सब जो है काउंसिल रिफॉर्म्स में आ गए। काउंसिल एक्सपेंशन में इंडियन को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले। ठीक है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा और 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट और लेके आए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। पर इसमें भी कोई ज्यादा पावर नहीं दी गई, कोई ज्यादा इसमें पावर नहीं दी गई। अब इसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे तो बड़ा हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में जाकर के वहां से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, बहुत डिटेल में उसमें समझाया है। तो पर इसमें इतना आप समझ लीजिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी कोई ज्यादा पावर नहीं दी गई इंडियंस को। तो इससे कांग्रेस के जो मेन थे, मॉडरेट थे, वो बहुत खौरा गए। वो उनको लगा कि यार इतना ज्यादा पिटीशन भेजने का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं सुन रही है। तो इसके बाद का जो समय है 1892 के बाद का, आफ्टर का, इस समय में जो डिमांड्स हो जाती है मॉडरेट्स की चेंज होकर के, वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए आफ्टर, ये जो आफ्टर का समय है ये 1892 के बाद की बता रहा हूँ मैं, आफ्टर 1892। तो उनकी डिमांड चेंज हो जाती है। डिमांड पहले थी कि काउंसिल एक्सपेंड किया जाए, मतलब कि इंडियन थोड़े ज्यादा हो जाए, पहले से जितने थे उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन अब क्या हो गई है कि इंडियन की मेजोरिटी होगी काउंसिल में। अब ब्रिटिश और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है मेजोरिटी में नहीं रहेंगे, अब इंडियंस मेजोरिटी में रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडियंस हैं वो अपना बिल खुद पास कर पाएंगे और उनके पास वो पावर रहेगा जिससे वो संसद चला सके। ठीक है, फिर उनके पास बजट के ऊपर भी कंट्रोल आया, कंट्रोल ओवर बजट। कंट्रोल ओवर बजट से क्या मतलब है कि जब कोई ग्रांट आ रही हो, ग्रांट के मतलब है कि भैया ये चीज हम लाए हैं और इस चीज पे इतना पैसा लगना है, ये बजट में आ गया, तो उसमें सभी लोग जो मेंबर होते हैं संसद के वो वोट करते हैं ना काउंसिल के, कि भैया हाँ अब ज्यादा वोट मिल गया अगर उस ग्रांट को तो वो ग्रांट पास हो जाता है, उतने पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर इंडियन के खिलाफ वो आएगा तो वो बजट पे वोट करें और वोट ना भी कर सकें, इसका राइट मिले। तो कंट्रोल ओवर बजट भी इनके डिमांड में आने लग गया कि हमें बजट पे कंट्रोल चाहिए, बजट हमारे हिसाब से पास होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर के हिसाब से जो हम पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इंडियन मेजोरिटी हो और कंट्रोल ओवर बजट हो, इनका नया डिमांड था आफ्टर 1892, जब देखा कि कुछ होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा मांगो तो कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, इनका स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें संसद में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम टैक्स भी नहीं भरेंगे, वही बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इनका अब देखिए ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था ये रिफॉर्म्स लाने के लिए। ब्रिटिशर्स सोचते थे कि रिफॉर्म हम ला देंगे और उसके बाद भले जितने भी इंडियन क्रिटिसाइज करें उस रिफॉर्म को, हमें फर्क नहीं पड़ता, संसद में हम कोई बिल लाएं और वो बिल अगर इंडियंस के इंटरेस्ट के खिलाफ में भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनके क्रिटिसिज्म को अनसुना कर देंगे, वी विल बी डेफ टू देयर क्रिटिसिज्म, हम उनके क्रिटिसिज्म के लिए बहरे बन जाएंगे। ठीक है, और उनका पॉलिटिकल स्टीम जो है, यानी कि जो उनका राजनीति में जो उनका जोश है, उबाल है, उनको वो ऐसे ही उबलता रहेगा, उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उनको मेजोरिटी दे नहीं रहे हैं ना कोई पावर दे रहे हैं। तो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर लेट ऑफ कर देंगे उनको कि जाओ भैया जो करना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहोगे, हम तो बहरे हैं, तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इंडियंस ने इसको दूसरी तरीके से लिया। इंडियंस एक्सप्रेस्ड पॉपुलर ग्रीवेंसेस। पॉपुलर ग्रीवेंस क्या है? जो आम नागरिक हैं, जो किसान हैं और जो लेबरर्स हैं, उनकी जो ग्रीवेंस है, उनकी जो दुख है, उनको एक्सप्रेस किया संसद में, उनको काउंसिल में उठाया। ठीक है, तो एक तरीके से काउंसिल को जो है एक फोरम बना दिया डिस्कशन का, कि भैया ये प्लेटफॉर्म मिला है हमको, भी यहाँ डिस्कस करेंगे हम, बिल जितना हो सके पूरा दम लगा देंगे एड़ी चोटी का, कोई बिल जो भी बिल आएगा अंग्रेज सरकार की तरफ से उसका हम खुल करके विरोध करेंगे। तो वो पॉपुलर ग्रीवेंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिला इंडियंस को। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का, इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने का,
और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो आईएएस होते हैं आज के, और जो उस समय के आईसीएस हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे कि ये तो सब अंग्रेज हैं, ये इंडियन के इंडिया में आकर के इंडिया का भला कैसे करेंगे, ठीक है। और एंटी इंपेरियलिस्ट सेंटिमेंट इन सभी चीज़ों की वजह से उजागर होती थी इंडियन लोगों में जब काउंसिल में सब चीज़ें होती थी। तो अब देखते हैं आगे, अब तीसरा देखते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपेन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि शासन की जो प्रक्रिया है उसमें रिफॉर्म, उसमें सुधार लाने के लिए कंपेन किया गया था मॉडरेट्स के थ्रू। ये मांगते थे, इनका डिमांड था इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट की सर्विस जो होती है, सरकारी नौकरी जो होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हो। और इस बात को उन्होंने तीन ग्राउंड पे, तीन तथ्यों पर सपोर्ट किया। पहला तथ्य था पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के मतलब ये है कि अब मान लीजिए जो बड़े बड़े पोस्ट हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वो सब के सब ब्रिटिशर को दी जाती थी। तो जब ब्रिटिशर को दी जाती थी तब क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता था, और दूसरा क्या है कि वो पैसा ब्रिटिशर को दिया जा रहा है तो भारत के पैसे से ही वो पैसा दिया जाता था, तो भारत का पैसा एक तरीके से अंग्रेजों के देश इंग्लैंड जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल ग्राउंड पे इसको सपोर्ट किया, इस थ्योरी को, इंडियनाइजेशन की। दूसरा बताया मॉरल ग्राउंड पे कि भाई आप बड़ी बड़ी पोस्ट से इंडियंस को दूर रख रहे हो, ठीक है। अब जब बड़ी बड़ी पोस्ट से इंडियन को दूर रख रहे हो तो इंडियन डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, और उनको लगेगा कि हमें तो अलग किया जा रहा है, हमें नीचे दर्जे का समझा जा रहा है। तो मॉरल ग्राउंड पे सपोर्ट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंडियनाइजेशन हो। फिर सपोर्ट किया इसको इकोनॉमिक ग्राउंड पे, इकोनॉमिक ग्राउंड पे ये किया कि ब्रिटिशर को हम लोग, आप लोग हायर ऑफिशियल के रूप में हायर करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उनको हाई इमोल्यूमेंट, हाई सैलरी, प्रिविलेजेस, पर्क्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंडियंस को हायर करेंगे तो आपको वो इकोनॉमिकल रहेगा, आपको कम पैसे में ही अच्छे खासे वेल ट्रेंड और इंडियन हायर ऑफिसर्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इंडियनाइजेशन को इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मॉडरेट्स। फिर बोलते हैं सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से। जैसा कि हमने प्री कांग्रेस कैंपेन वाला जो हमारा मॉड्यूल था, वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम एक ही में हो जाता था, तो उसको सेपरेट करने के लिए बात किया था। आप हो सके तो पिछली वीडियोस देख लें तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग करने के लिए बात की थी, इसको डिमांड किया था, ठीक है। फिर क्रिटिसाइज किया था ब्यूरोक्रेसी को, जो आईएएस आईसीएस ऑफिसर उस टाइम पे हुआ करते थे, उनको क्रिटिसाइज किया कि वो सब तो ब्रिटिश के हैं और वो फिर इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए जब वो सक्सेसफुल ही नहीं है तो हम लोग ऐसी ब्यूरोक्रेसी को क्या करेंगे, उसको इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज। और जो जुडिशियल सिस्टम था उसको इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया मॉडरेट ने कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इंडियंस को उनके लिए जस्टिस नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किसका किया, उन्होंने क्रिटिसाइज उनकी क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी को। ब्रिटिश क्या करते थे, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इंडियंस भुखमरी से मरे या फिर कोई महामारी फैल जाए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस बात से मतलब था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग और बड़ा कॉलोनी बनाएंगे और हिस्सों को अपने अंदर जोड़ेंगे और राजाओं को कॉन्कर करेंगे, ख़त्म करेंगे, अटैक करेंगे जगहों पर। और अपना इनका यही फॉरेन पॉलिसी था। हम लोग देखेंगे कि उन्होंने बर्मा को जो है एनेक्स कर लिया था, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत। और जो इतने भयंकर लड़ाई हुई भीषण बर्मा को जीतने में, उसका पैसा कहाँ से गया, इंडियन ट्रेजरी से गया, भारतीय खजाने से गया। तो इंडियन का तो इम्पोवरिशमेंट ही हो रहा है, गरीबी ही आ रही है। फिर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भी जो लड़ाई हुई थी लॉर्ड लिटन की, उसमें भी इंडिया से ही, इंडिया की ट्रेजरी से ही खर्चा गया। तो उसमें ही सब चीज़ें हैं, जो ट्राइबल का, ट्राइब्स का जो रिवॉल्ट हुआ करता था उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, उसको सप्रेस करने के लिए भी जो खर्चा गया वो इंडियन ट्रेजरी से ही गया। तो फॉरेन पॉलिसी भी बहुत घटिया थी और ये मॉडरेट्स ने इसलिए इस चीज़ के लिए भी क्रिटिसाइज किया। फिर उन्होंने बोला कॉल फॉर इंक्रीज इन वेलफेयर एक्सपेंडिचर। वेलफेयर एक्सपेंडिचर यानी कि जो समाज में सुधार के लिए और जो भले के लिए जो खर्चा किया जाना है उसमें इंक्रीज हो, उस बात को मॉडरेट ने रखा। किस तरीके का खर्चा, एडुकेशन हो गई, हेल्थ हो गया, पब्लिक इशूज़ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, जो सोशल लेवल से हम लोग ख़त्म करने के लिए जो खर्चे होंगे वो सब हो गए, अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इंक्रीज करने के लिए वेलफेयर एक्सपेंडिचर को जो है बात की मॉडरेट्स ने। फिर बेटर वर्किंग कंडीशंस हो, जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं बाहर अब्रॉड में भी और जो इंडिया में भी हैं, उनके लिए, दोनों के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन उन्होंने डिमांड की। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने डिमांड किया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स।
इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियंस को सिविल राइट ज़्यादा मिलता नहीं था, तो उन्होंने इस बात के लिए भी बोला कि इंडियंस के पास भी सिविल राइट्स होने चाहिए, उनके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये बात और ये डिमांड तब और बढ़ गई जब हम देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं कांग्रेस के, उनको अरेस्ट किया गया, तब ये डिमांड और बढ़ गई कि सिविल राइट्स हमारे पास भी होने चाहिए। आप किसी को भी ऐसे ही नहीं कर सकते, किसी ने कुछ बोल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, तो अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, कुछ लिख भी दिया, तो आप उसके लिए उसको जेल में डाल देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, किसी को जेल में डाल के डिपोर्ट कर दिया। वो देखते हैं डिपोर्टेशन ऑफ नाटू ब्रदर्स, नाटू ब्रो मतलब कि नाटू ब्रदर्स, नाटू ब्रदर्स जो थे इनका डिपोर्टेशन हुआ। डिपोर्टेशन से क्या मतलब है? डिपोर्टेशन से ये मतलब है कि उनको सजा दी गई, उनको कैद किया गया और उनको ऐसी जगह भेज दिया गया जहां उन्हें कोई नहीं जानता और यहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें ढूंढ भी नहीं सकते ऐसी जगह पे। तो नाटू ब्रदर्स को ऐसी जगह भेज दिया गया। जो प्रेस थी उनको वो लोग बार बार कवर करते थे, कोई ना कोई प्रेस एक्ट ला करके, जैसे एक आया था इंडियन प्रेस एक्ट, उसने भी प्रेस को दबाने की कोशिश की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसने भी प्रेस को दबाने की ही कोशिश की। तो कर्मिंग प्रेस, तो वो लोग प्रेस को कर्व किया करते थे, प्रेस को दबाने से राइट टू प्रेस जो था, जो प्रेस का एक राइट होता है कि हाँ हम चीज़ें छाप सकते हैं, चाहे किसी की पॉलिसी के अगेंस्ट में हो छाप सकते हैं, तो वो प्रेस को भी कर्व करते थे। मासेस का रोल देख लेते हैं, रोल ऑफ मासेस। हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो मॉडरेट था उनका सोशल बेस, यानी कि जो लोग जो आम जनता उनके साथ जुड़ी हुई थी, वो बहुत कम थी। वो कौन थे? वो वही लोग थे जो बुजुर्गवा वर्ग था, जो वेल्दी भी थे, जिनके पास पावर भी था, जिनके पास पैसा भी था, ठीक है। और ये जो मासेस थे इन्होंने एक पैसिव रोल प्ले किया, कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले किया, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी टाइप के मूवमेंट में जो मॉडरेट्स ने चालू किया हो उसमें तो खैर नहीं देखने मिला, ठीक है। फिर मॉडरेट्स जो थे इनको बहुत कम विश्वास था, दे हैड लेस फेथ। किस में कम विश्वास था? मासेस में, जो आम लोग हैं, क्योंकि मासेस जो थे एज मासेस वर इग्नोरेंट, उनको ज़्यादा किसी मूवमेंट के बारे में नॉलेज थे नहीं, उनको बहुत ढेर सारा पॉलिटिकल एडुकेशन देना पड़ेगा इससे पहले कि उनको मूवमेंट में लाया जा सके। दूसरा क्या है, जो लोग हैं वो आपस में बहुत बुरी तरीके से डिवाइडेड हैं धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जो अमीरी गरीबी है और जो आर्थिक स्तर होता है उसके आधार पर भी, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई लैंडलेस लेबरर है तो कोई गरीब किसान है, तो कोई मिडिल क्लास में भी जो है दो वर्ग हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो इतनी ढेर सारी जब डिवीज़न हो जाती हैं, उसके बाद जो हिंदू हैं उनमें भी कास्ट का डिवीज़न है, तो जब इतना ढेर सारा डिवीज़न हो जाता है तब मासों से इकट्ठा कर पाना एक मूवमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और उनका यही मानना था कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो जो हैं पुरानी मान्यताओं पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो ये सब जो है वो लिबरल थॉट के नहीं है, उनके नए वो नए विचारधाराओं को नहीं ले पाते अपने अंदर, तो ये सब की वजह से मॉडरेट्स का विश्वास कम था। लेकिन ये जो विश्वास कम था ना, ये सबसे बड़ा रीज़न बन गया। किस चीज़ का रीज़न बन गया? जिसकी वजह से ये जो मॉडरेट्स थे ये मिलिटेंट पोजिशन नहीं ले पाए। मिलिटेंट पोजिशन से क्या मतलब है? मिलिटेंट पोजिशन से ये मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पीछे पूरी की पूरी जनता नहीं खड़ी थी। अगर मॉडरेट्स के साथ पूरी पूरी जनता खड़ी होती तब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ले पाते ये मॉडरेट्स, लेकिन नहीं खड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो मासेस को इंक्लूड नहीं करते थे अपने मूवमेंट में, अपने पटिशन में, अपने जो भी है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में। अभी जो गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था, गवर्नमेंट जो थी शुरू से ही कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी, वो हॉस्टाइल थी टू कांग्रेस, ठीक है। डफरिन ने तो ये भी बोल दिया कि जो कांग्रेस है इट इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, यानी कि कांग्रेस जो है वो राजद्रोह की फैक्ट्री है। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि ये जो कांग्रेस है ये सीडिशियस ब्राह्मण है, यानी कि राजद्रोही ब्राह्मण है, ये गवर्नमेंट बोलती थी, ठीक है। और इन्हें डिसलॉयल बाबूज का दर्जा भी दिया गया कि ये सब जो है बेवफा सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल करती थी ये जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस को डिवाइड करने के लिए। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड करने के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल किया पूरी तरीके से, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को इंकरेज करते थे जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे, जैसे कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, जो कि सैयद अहमद खान ने बनाई थी, और वो कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का काउंटर करते थे ताकि जब इंडियंस आपस में लड़ जाएंगे तो फिर कुछ होगा नहीं और कोई नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ नहीं पाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी से जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को अलग किया इन्होंने। कैसे अलग किया? पहले ये गाजर दिखाते थे मॉडरेट्स को कि हम रिफॉर्म लाने वाले हैं, रिफॉर्म लाने वाले हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहिए। फिर जब वो एक्सट्रीमिस्ट दूर हो जाते थे तो एक्सट्रीमिस्ट को वो एक्सट्रीमिस्ट कम नंबर में थे शुरुआत में, ठीक है, और बाद में भी, तो उनको दबाना गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। तो पहले मॉडरेट्स को अपनी तरफ दिखाया कि हम रिफॉर्म लाने वाले हैं, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को मार मार के
रिप्रेस कर दिया। फिर रिफॉर्म भी ऐसा लाते थे कि मॉडरेट्स किसी को पसंद नहीं आता था, तो जब मॉडरेट को पसंद नहीं आता था मॉडरेट विद्रो करते थे, मॉडरेट को भी वही स्टिक वाली पॉलिसी रिप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी जिससे डिवाइड एंड रूल करके कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को बहुत एक स्टैंड पॉइंट पर रखा। पर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है गलती कर गई, नेशनलिज्म की फीलिंग को चेक नहीं कर पाई जो इसका अपसर्ज हो चुका था। अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके के अर्ली नेशनलिस्ट थे। तो अब इन मॉडरेट्स को और इनके कामों को हम लोग जो एनालाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो मॉडरेट्स थे ये अपने टाइम के सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जो सबसे ज़्यादा आधुनिक थे। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ इनमें ख़राब बात ये निकली कि ये मासेस को इकट्ठा नहीं कर पाए, आम लोगों को अपने साथ इकट्ठा नहीं कर पाए, तो इनका डेमोक्रेटिक सोशल बेस बहुत छोटा था, नैरो था। ठीक है, और ये क्या थे ना कि ये पॉलिटिकल एडुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, मास अवेकनिंग यानी कि जनता के अंदर वो आइडियाज़ लाना डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, ये सब जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, और इनका इस बात पर विश्वास था कि बिना हिंसा के भी और सिर्फ पिटीशन के बेसिस पे ये लोग जो हैं अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मॉडर्न आइडियाज़ को पॉपुलराइज करते थे और ये बताते थे कि इंडिया को इंडियंस के इंटरेस्ट में ही यानी कि भारतीयों के हितों में ही रूल करना चाहिए, आप बाहर से आकर के भारतीयों के हितों के खिलाफ इंडियंस को रूल नहीं कर सकते, इनका एक ये भी कहना था। और इनका जो काम था वो बेसिकली हार्ड रियलिटी बेस्ड था, कि मतलब जो आर्थिक कष्ट झेल रहा है भारत, जो सामाजिक कष्ट झेल रहा है भारत और शासन के रूप में भी जो कष्ट झेल रहा है भारत, उसके ऊपर था इनका जो कंपेन था। इनका कंपेन कभी भी छोटे मोटी चीज़ों पे नहीं था, शैलो सेंटिमेंट्स पे नहीं था, छिछली मतलब कम गहरी सेंटिमेंट्स पे नहीं था। ठीक है, ये धर्म और ये जाति के नाम पे नहीं लड़ते थे या फिर पिटीशन करते थे, ये सिर्फ पिटीशन करते थे देश के लिए। तो ये नेशनलिज्म की भावना थी इनका, कभी भी देश को बांटने के लिए कभी भी हिंदू मुस्लिम के ग्राउंड पे इन्होंने कभी भी कुछ भी सेंटिमेंट अपने नहीं दिखाया। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला चैप्टर जो है हम एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसमें हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो देखेंगे, और उस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पार्ट लाएंगे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा चैप्टर लंबा भी है और क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है और आपको क्वालिटीफुल कंटेंट मिलना चाहिए, इसलिए भी जो है हम लोग थोड़ा सा उसमें मेहनत करेंगे और जो है अच्छा कंटेंट लाएंगे। थोड़े लंबे पार्ट होंगे, थोड़े लंबी वीडियो होंगी, लेकिन वो अच्छा कंटेंट होगा, बेनिफिशियल होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि सही में नीडी हैं। थैंक यू।